हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपका पैटर्न वाइज है, जो कि बोर्ड एग्जाम में जैसे कि आपका पैटर्न दिया हुआ है सेम उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम के थ्रू नहीं ज्वाइन होता है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आपने कल्पना 17 सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको बोर्ड से रिलेटेड अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम MCQ और इसके शॉर्ट वर्क की सीरीज भी लेके आने वाले हैं, टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम और जो आपका वो होगा प्री बोर्ड एग्ज़ाम, दोनों ही टारगेट होगा। ठीक है, तो इसके लिए चैनल पे बने रहना। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से आपको एक 3 मार्क्स में जो है शॉर्ट वर्क आएगा, मींस MCQ, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स कुछ भी आ सकता है 3 मार्क्स में। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का आएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन सा मेन क्वेश्चन है कि आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ चैप्टर नंबर 1 पे आपकी टेक्स्ट बुक, ताकि आपको प्रॉपर पता लग जाए टेक्स्ट बुक में ही कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये शॉर्ट वर्क तो आपने करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चन है आपके, दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ से क्वेश्चंस। यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक तो ये हो गया, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स, तो ये अच्छे से कर लेना एक। ठीक है, और दूसरा 3 मार्क्स में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात अगर मैं करूँ तो एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर डिफरेंट फ्रॉम द मैनुअर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज इरीगेशन, ये क्वेश्चन कर लेना, और नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन व्हाट आर वीड्स। बस इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये 4 है। ठीक है, 3 हो गए 4। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, बाकी शॉर्ट वर्क तो आपका सबका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 से आपका सबसे पहले पैटर्न जो है वो आपका 2 मार्क्स में शॉर्ट वर्क आएगा, मीन्स MCQ, ट्रू फॉल्स, ब्लैंक्स, और एक क्वेश्चन आएगा इसमें 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने क्या तैयार करना है, देखो यहाँ पर चैप्टर के बीच से भी थोड़ा सा पॉइंट्स पढ़ लेना, जैसे ये फर्मेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ लेना। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल पैथोजेंस, ये थोड़ी सी मतलब ये आपका ये पैथोजेन, मतलब ऐसे छोटे छोटे 1-2 पॉइंट्स भी पढ़ लेना कि 2 मार्क्स में ही आ सकते हैं। यहाँ पर ये पास्चराइजेशन, ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। अब अगर बैक एक्सरसाइज से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक डाई, इफ नॉट हाउ कैन दे सी, सारे चैप्टर के मैंने सॉल्यूशन अपने चैनल पे प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाना और क्लास 8 के सॉल्यूशन निकाल लेना साइंस के, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो है 5, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद सिर्फ एक बैक्टीरिया का नाम बताना तो शॉर्ट वर्क में आ जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ से आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है 2 मार्क्स में, बस इतने क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में जो बोर्ड का पैटर्न है उसमें कोई भी शॉर्ट वर्क नहीं आना, सिर्फ एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ 3 मार्क्स में आपका कौन सा क्वेश्चन आ जाता है। तो बैक एक्सरसाइज पर चलते हैं हम, ये बैक एक्सरसाइज है आपकी। बैक एक्सरसाइज में यहाँ पर MCQ फॉर्म शॉर्ट वर्क दिया हुआ है, तो ये तो सब कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेना कि नायलोन फाइबर स्ट्रांग क्यों होता है, ये प्लास्टिक कंटेनर फेवर्ड क्यों करते हैं कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आ जाता है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन हम इसमें बहुत कम छोड़ सकते हैं, आएगा 3 मार्क्स में, पर काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें बन जाते हैं। जैसे एक आपका ये भी इंपॉर्टेंट हो गया राणा वाला। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है आपका मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें से 2 तो आपका मतलब शॉर्ट वर्क आएगा और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसका पैटर्न देखते हैं।
तो ये तो आपका शॉर्ट वर्क कुछ भी आ सकता है, ये तो आप पढ़ लेना सारा कुछ, ठीक है। यहाँ से भी ये आपका जो है शॉर्ट वर्क सारा पढ़ लेना, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये शॉर्ट वर्क, ये भी क्वेश्चन रहने देना। हाँ, अब आ जाओ, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट दो नंबर में बात करें ना, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, लेमन पिकल वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये कर लेना अच्छे से। और उसमें से ये जो गिव द रीज़न वाला पॉइंट है, इसमें से एक सोडियम वाला पॉइंट और एक एल्यूमिनियम वाला, ये दो पॉइंट अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये जो व्हाट हैपन वाला दिया हुआ है, इसके ये दोनों पॉइंट कर लेना। वैसे तो ये 3 मार्क्स में आता है, बट इस बार आपको 2 मार्क्स का पैटर्न दिया है, तो मे बी कुछ नहीं पता, बोर्ड वाले डाल भी सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 में 2 नंबर का शॉर्ट वर्क आएगा और एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर में आएगा। तो देखते हैं 3 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। एक तो 3 नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 के, ठीक है, फर्स्ट 6। और इधर आ जाते हैं, इस पेज पर है हमारा कोक वाला और फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। ये कोक वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम भी इंपॉर्टेंट है, तो ये 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6, कंबशन एंड फ्लैम। इसमें से 2 मार्क्स का आपका शॉर्ट वर्क आएगा, ठीक है, तो वो शॉर्ट वर्क कर लेना 2 मार्क्स में। मैं शॉर्ट वर्क की सीरीज़ लेके आऊँगी, बस आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा के रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि मुझे सारी क्लासों की वीडियो मैं डालती हूँ, चाहे वो क्लास 7 का बच्चा है, 6 का है, या फिर 9, 10, 11, 12, तो हो मे भी आपको 3 से ज़्यादा वीडियो आ जाए, तो नोटिफिकेशन ना मिले तो नोटिफिकेशन की बेल दबा के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं वीडियो जो है डाल देती हूँ, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आया तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये कंबशन एंड फ्लेम में से आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो अब 2 मार्क्स में आपको इसमें क्या काम करना है, 2 मार्क्स में सबसे पहले तो इसका पहला ही क्वेश्चन आपका लेना, लिस्ट द कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन में, एक कैंडल का डायग्राम। कभी कभी कैंडल का डायग्राम जो है वो बना हुआ आ जाता है, और कई बार क्या होता है कि कैंडल का डायग्राम आपको खुद बनाना होता है, तो दोनों तरीके से आप अच्छे से इसकी लेबलिंग अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से कर लेना, और उसके बाद ये गोल्ड स्मिथ वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और उसके बाद अगर और भी आपको क्वेश्चन नंबर 8 कर लो बस, ठीक है, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बस इसमें इसके अलावा 2 नंबर, इसमें जो है चैप्टर नंबर 6 से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आना, बस इसी में से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ से आपका जो है 2 नंबर का शॉर्ट वर्क आएगा और 1 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन अगर मेरी तरफ से मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताऊँ तो वो आपका यहाँ से आ जाता है, यहाँ से रेड डाटा बुक, ये आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कर लेना बहुत अच्छे से। ये रेड डाटा बुक 2 नंबर में यही आ ही जाता है, फिर भी उसको छोड़ के भी हम और क्वेश्चंस कर लेंगे, कि एक आप ये पेपर सेव वाला भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, और एक इसमें जो है 2 मिनट में देख के बताती हूँ, एक और है इसमें माइग्रेशन वाला, माइग्रेट बर्ड वाला है कुछ, हाँ ये नेक्स्ट इसी का, ये 2 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये इसमें से आ ही जाएगा आपके, ये 3 पॉइंट्स पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, अच्छा इसमें एक और है एंडेंजर्ड एनिमल और उसमें डिफरेंस, वो भी कर लेना आप यहाँ पर, ये इस पेज पर है, इस पेज पर 2 कर लेना, एक फ्लोरा एंड फना और एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कर लेना। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पर आपको 3 नंबर का शॉर्ट वर्क आएगा और 1 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन कौन सा बन रहा है, शॉर्ट वर्क तो सारा ही करना है आपने, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आप इसमें जो है एक तो डिफरेंस तो दोनों कर लेना, एक ये वाला डिफरेंस जो है प्लांट और एनिमल सेल और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, ये दोनों ही अच्छे से कर लेना, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप मुझसे पूछो तो 6, 5 और 8 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। 2 इसमें शॉर्ट वर्क आएगा और 1 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आएगा। तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन देखते हैं हम।
टू मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें देखो, फर्स्ट सबसे पहले तो आपका इसमें आ जाएगा यहाँ से देखो, एक तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बिटवीन जाइगोट एंड फिटस, और उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, डायग्राम भी बना लेना, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात कर रही हूँ। एक चीज़ मैं बताऊँगी कि अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ आपको ये सिलेबस मत छोड़ो, और इवन के चैप्टर के कंसेप्ट भी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, मेरिटोरियस में कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये सिर्फ मीडियोकर और वीक स्टूडेंट्स के लिए मैं ये उनके हेल्प के लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 की बात करें, वैसे जहाँ तक पेपर इसी में से आ जाता है, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते ना मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंसेस, तो इसका जो है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वर्क करना है आपको, इसलिए इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं, बस चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ लेना और शॉर्ट वर्क पढ़ लेना। आ गए हैं अब हम चैप्टर नंबर 11, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर में आएगा आपका जो है दो शॉर्ट वर्क आएंगे और एक तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो तीन नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं हम बैक एक्सरसाइज में। तो तीन नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन दिया है आपका, पहले दो क्वेश्चन तो छोड़ना ही मत, ये पहले दो क्वेश्चन तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये पहले दो क्वेश्चन करने के बाद आपने जो है आगे इस पेज पर आ जाते हैं, यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर ये रॉकेट वाला कर लेना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपका कुछ नहीं है, लेकिन एक ब्लैक रॉकेट वाला आप कर लेना, और एक ये भी कर लेना बकेट वाला, ठीक है। और एक यहाँ से चैप्टर के बीच में से जैसे ये प्रेशर की डेफिनेशन और इसकी यूनिट पढ़ लेना, ये आ जाता है कई बार, ठीक है। कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ लेना, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ लेना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ लेना, तो डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना, ठीक है, तो उसमें से कई बार आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है हमारा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से क्या आएगा आपका, इसमें से आपका पहले तो फ्रिक्शन में से दो नंबर का शॉर्ट वर्क आएगा और एक दो नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखते हैं दो नंबर का क्वेश्चन आपका कौन सा आ सकता है। यहाँ से आप अगर दो नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो एक तो ये स्पोर्ट्समैन वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके बाद ये फ्रेंड एंड फो वाला, और उसके बाद अगर हम बात करें तो या कुछ नहीं, ये वो दोनों, ठीक है, एक ये वाला और ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और नाइन्थ, ठीक है। वैसे ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस के होता है, लेकिन ये तीन नंबर में आ सकता है, दो नंबर में तो इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे, बाकी अगर पढ़ना है एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13, साउंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साउंड से जो है आपका जो है आएगा, सबसे पहले तो दो नंबर का शॉर्ट वर्क आएगा और उसके बाद आपका इसमें तीन नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो तीन नंबर के क्वेश्चन के इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस कंसेप्ट जरूर क्लियर कर लेना, कुछ भी आ सकता है। तो लेकिन अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो सबसे पहले फिफ्थ और सिक्स दोनों न्यूमेरिकल कर लेना, दोनों में से एक न्यूमेरिकल कई बार आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो इम्पॉर्टेंट इतना चैप्टर है ना कि इसमें छोड़ना ही नहीं है कुछ, ये भी कर लेना, म्यूज़िक और ये इसमें डिफरेंस, लिस्ट द सोर्सेस ऑफ सराउंडिंग। अब मैं इसमें आपको क्या बोलूँ, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 सारे इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, तो ये चैप्टर पूरा अच्छे से करके जाना, और सारे इजी भी हैं, ठीक है, पढ़ लेना। मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें देखना, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको पर्टिकुलर, दोनों न्यूमेरिकल्स की भी मैंने अलग अलग बनाई हुई है और अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर हम आ जाते हैं 14, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से आपको जो आएगा दो नंबर का शॉर्ट वर्क आएगा और एक तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा आपका, यहाँ से शॉर्ट वर्क तो करना ही है, यहाँ पर अगर हम आ जाएँ तो एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है डायग्राम वाला, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और उसके बाद ये डस प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फायरमैन वाला, और यहाँ से इलेक्ट्रीशियन वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इतने क्वेश्चन आप इस चैप्टर के कर लेना, ये बल्ब वाला भी कर लेना यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फिनोमेना।
ठीक है, इसमें सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है और शॉर्ट वर्क पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आंसर आपके नहीं आने। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 16, लाइट। अब लाइट से आपका दो तो शॉर्ट वर्क आएगा और एक दो नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो दो नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या इसमें आ सकता है, कंसेप्ट जरूर हर चैप्टर के पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं क्वेश्चंस के बारे में बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, यहाँ पर एक तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 डायग्राम कर लेना। ठीक है, और अगर इस पेज पे आ जाए हम आई की केयर कर लेना। ठीक है, बस इस चैप्टर में और एक और ये 13। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसी में से बोर्ड में वैसे अभी तक इसी में से क्वेश्चंस आते रहे हैं। आगे हम देखते हैं चैप्टर नंबर 17, स्टार एंड द सोलर सिस्टम। इसमें आपको सिर्फ चैप्टर के कंसेप्ट पढ़ने हैं और शॉर्ट वर्क पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर इसके नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 18। तो वीडियो को फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी अपनी साइंस की तैयारी, भी टाइम है, और अच्छे से कर ले। ठीक है, और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर, सारी चीज़ें फाइनल एग्जाम तक प्रोवाइड कराऊंगी। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, तभी आपको वहाँ पे सारा कुछ पता लगेगा। चैप्टर नंबर 18, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, लास्ट चैप्टर। इसमें से एक आपका शॉर्ट वर्क में आएगा, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग या फिर जो भी है MCQ कुछ भी, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा। तो अगर मैं बता दूँ इसमें से 2 मार्क्स का कौन सा आएगा, अच्छा यहाँ से ये शॉर्ट वर्क के लिए CFC की फुल फॉर्म भी कर लेना। ठीक है, अगर बैक एक्सरसाइज का ही कोई क्वेश्चन उठता है तो यहाँ पर जो है 2 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना, थर्ड क्वेश्चन कर लेना, और उसके बाद वैसे तो यही क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये 3 क्वेश्चन इसमें कर लेना। ठीक है, तो यहीं से जहाँ तक आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई है। तो सबसे पहले फटाफट लाइक के बटन को प्रेस कर दो, आप लोग लाइक को प्रेस नहीं करते तो वीडियो देख के कमेंट करके चले जाओगे कि मैम ये ऐसा नहीं वैसा है, ये बता दो, ये वीडियो बना दो, ये कर दो, लेकिन लाइक नहीं करके जाते हो, फिर तो गलत है ना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।